हेलो फ्रेंड्स, आपके आईडी पर कितने जियो के सिम कार्ड चल रहे हैं और वो जियो के सिम कार्ड कौन कौन से फोन में चल रहे हैं, ये सारी डिटेल्स को अगर आप पता करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी आईडी पर कितने जियो के सिम कार्ड चल रहे हैं ये सारी डिटेल्स को पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मालिक स्क्रीन पर। आपके नाम पर कितने जियो के सिम कार्ड चल रहे हैं इसकी डिटेल्स को पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है एंटर मोबाइल नंबर, जो भी आपका जियो का नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये मैसेज की परमिशन मांगेगा, इसे यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपने टाइप किया है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद ये लोकेशन की परमिशन मांगे, इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन की परमिशन मांगे, इसे भी यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर सिम कार्ड को पता करने के लिए यहाँ पर आपने जिस भी नंबर से लॉगिन किया है वो नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके सामने आपको एक एरो का आइकन देखने के लिए मिल जाता है, इस एरो के आइकन पर क्लिक करेंगे। एरो के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्विच अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। स्विच अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी अकाउंट, यानी कि जिस भी आपने मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं फोर अकाउंट अवेलेबल टू लिंक, यानी कि इस नंबर के अलावा आपके आईडी पर 4 जियो के सिम कार्ड और हैं। अब सिम कार्ड के नंबर को देखने के लिए यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन जाता है लिंक न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। लिंक न्यू अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा और जो भी आपकी आईडी पर जियो के सिम कार्ड है उनकी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सिम कार्ड किस मोबाइल फोन में पड़े हुए नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर आप पहला वाला नंबर देख सकते हैं, मेरे सैमसंग गैलेक्सी A22 में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप दूसरे वाले नंबर को भी पता कर सकते हैं कि वो किस फोन में डला हुआ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने जियो के सिम कार्ड चल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।